छतरपुर के नौगांव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। बारिश के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत बीजेपी नेताओं ने रोड शो करते हुए पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मध्य प्रदेश में 3 महीने की सरकार कुल हुई है, हमारी पार्टी ने जो भी चुनावी वादे किए थे वह सभी पूरे किए जाएंगे और यहाँ तो अलग अलग तरह के माइनिंग की खदानें हैं, यहाँ बड़ा उद्योग लगाने की जरूरत है। सीएम ने कहा बीजेपी सरकार द्वारा जिले को कई सौगातें दी गई हैं और आगे भी कई सारी सौगातें बुंदेलखंड को दी जाएंगी। अभी 3 ही महीने हुए लेकिन हमने इसी साल कहा कि इसी साल 2400, अगली बार फिर 300 जोड़ेंगे 2700, 5 साल में 3000 तक पहुँचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, किसी भी जो बात हमने कही है, जो संकल्प पत्र कहा है, एक एक अक्षर उसका सही निकलेगा। आने वाले समय में ये तो उद्योग की नगरी बनने वाला है, खास करके यहाँ पर माइनिंग का क्षेत्र जबरदस्त है, अलग अलग प्रकार की खदाने हैं लेकिन बड़े कारखाने की कमी है। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जब हम देश में दे रहे हैं अब की बार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।